क्या मस्त मौसम हो रखा है लॉस एंजेलिस का, देखने लायक। भाई ऐसे ही मौसम तो मुझे पसंद है यार, हमेशा ऐसे ही मौसम बना रहे मज़ेदार। चलो फटाफट से घर तो पहुंच गए। तुम लोग सोच रहे होगे भाई ये गाड़ी फिर से बदल लाया, तो हाँ मैं बदल के लाया हूँ। ये भी नई नई है, मेरे पार्किंग में पहले से खड़ी हुई थी, मैं सिर्फ मॉडिफाई करा के फिर से लाया हूँ। क्योंकि भाई मेरे को पता है कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसको भी नहीं पता वो जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकता है कि भाई मेरे गैराज में कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मैं उन्हें चला रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ियाँ खड़े खड़े ख़राब हो जाए। फटाफट से घर में चलते हैं, सिंचन चौक वॉप को ढूंढते कहाँ गए। ओ फ्रॉम क्लीन भैया कहाँ से चले आए। अरे यार मैं तुझे सुबह बताया था ना कि मैं दूसरी गाड़ी उठाने जा रहा हूँ गैराज से, तो वही उठा के लेके आया हूँ। ओ फ्रॉम क्लीन भैया यार कितनी और गाड़ियाँ खड़ी करी हो अभी। अरे यार चौक बहुत सारी और भी बची है अभी, टेंशन वाली बात नहीं है। सिंचन और बॉब कहाँ है। ओ फ्रैंकलिन भैया अंदर ही कहीं होंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अरे यार टेंशन कैसी, कहाँ है यार ये दोनों ये तो खड़े हैं। अरे छुटकू से सिंचन क्या कर रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया हम नॉर्थ चौक पता है न्यूज़ देख रहे थे, बहुत गंदी न्यूज़ बता रही है लॉस एंजेलिस में। अबे ऐसे क्या आ रहा है न्यूज़ में जो इतनी टेंशन वाली बात है। अरे यार न्यूज़ में बता रहे हैं कि लॉस एंजेलिस में बहुत जल्द सुनामी आने वाली है, और ऊपर से एस्ट्रॉइड्स भी गिरेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अबे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी अफवाहें फैला रहे हो। आओ फ्रैंकलिन भैया ये कोई अफवाह नहीं है, ऐसा सही में न्यूज़ में दिखा रहे हैं, मैंने भी देखी थी इन लोगों के साथ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया सुबह से यही दिखाने में लगे हैं यार न्यूज़ में, मैं तो परेशान ही हो गया। अबे सही बोल रहा है क्या चौप, ऐसे ही है क्या। ओ फ्रैंकलिन भैया हाँ ऐसा ही है यार, मैंने भी देखा था। तो ठीक है भाई हम भी चल के देख लेते हैं ज़रा क्या क्या बताया जा रहा है न्यूज़ में, हम भी तो देख लें क्या क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ओ फ्रैंकलिन भैया अफवाह लग रही है मुझे तो, वैसे भी क्योंकि ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, ऐसा कोई तो मौसम ही नहीं है। हाँ यार वही ना, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, पानी की एक बूंद नहीं गिर रही, और वो बोल रहे हैं कि सुनामी आने वाली है और ये सब होने वाला है। ओ फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, तुम भी टीवी चालू करके देखो, और ये सोफ़ा वाले को बुला के सोफ़ा सही करा लो यार, बहुत गंदा लगता है। अरे यार क्या बताऊँ चौप, रोज़ भूल जाता हूँ। तो चलो गाइज अगर तुम लोगों में से कोई सोफ़ा सही करने वाला मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं फटाफट से टीवी में न्यूज़ देखता हूँ क्या दिखा रहे हैं। लॉस एंजेलिस के वासी चैन से रहना चाहते हो तो लॉस एंजेलिस छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में लॉस एंजेलिस का कुछ ऐसा हाल होने वाला है। अभी हुआ तो नहीं है, ये सब AI जनरेटेड है, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। पूरे में सुनामी आ जाएगी और ऊपर से एस्ट्रॉइड्स भी गिरेंगे, पूरा लॉस एंजेलिस बर्बाद हो सकता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि चैन से रहना चाहते हो तो लॉस एंजेलिस छोड़ के भाग जाओ, इससे पहले लॉस एंजेलिस बर्बाद होने लगे और पूरे में अपने आप धमाके भी होंगे। तो इस भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। हम तो सोच रहे हैं कि भाग जाए, अगर कोई भागना चाहता हो तो हमारे प्लेन से जा सकता है, उसके अलग से चार्ज लगेंगे, लेकिन हम आप सबकी हेल्प कर देंगे। अबे यार देख रहा है ना सिंचन, वो लोग अपने प्लेन का प्रचार करने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, AI जनरेटेड इमेज दिखा रहे हैं, देख रहा है ना तू। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है कि हो जाए। अरे यार सही बोला। अबे यार कैसे हो सकता है, मौसम देख रहे हो तुम लोग कितना अच्छा खुला खुला है, अभी थोड़ी देर पहले बादल थे, अब तो वो भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है, धूप निकली हुई है, क्या हो जाएगा भाई धूप में। ओ फ्रैंकलिन भैया सही बोला यार, ये लोग तो पागल हो गए। हाँ यार, और अगर इतना ज्यादा तो गाइस फटाफट से तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हमारा सिंचन डर रहा है यार कि ऐसा कुछ होने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो शायद उसे थोड़ा सा अच्छा लगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया सही बोला यार, लाइक और सब्सक्राइब तो करवा ही दिया करो, देखो मैंने बोला था कि मौसम खराब हो जाएगा। अबे यार सुबह से बादल धूप हो रही है, टेंशन मतलब बादल ही हुआ है, ऐसा कुछ हो नहीं गया, इस सुनामी आ गई होगी, पूरा लॉस एंजेलिस डूब गया हो, पूरे में बम फूट गया हो, कुछ हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, टेंशन मतलब चिल रहे, इतनी ज्यादा टेंशन लेगा तो जीवन में चिल कैसे रहेगा। आओ फ्रैंकलिन भैया सही बोला, ये सिंचन कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, चलो अपन घूम के आते हैं। हाँ यार मैं गाड़ी उठा के लाया हूँ नई वाली पार्किंग से, आ जाओ फटाफट से घूमने चलते हैं उस गाड़ी से, वैसे भी मैंने घुमाई नहीं, बहुत कम चलाई है, फटाफट से अभी मॉडिफाई करा के आए, तो अपन उसको घुमा के देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे चौप का भूत देखा था, तुम लोगों ने देखा। अरे फ्रैंकलिन भैया पागल तो नहीं होगा, चौप तो हमारे साथ घूम रहा है, चौप का भूत कहाँ से आया। अबे यार मैंने अभी देखा था यार, यहाँ पे चौप का भूत था। अरे यार सही में मेरा मालिक पागल हो चुका है, आदमी कहता नहीं है कि बंदरों का दिमाग घुटनों में होता है, वैसे मेरे मालिक का भी है। अबे यार पानी और बरसने लगा, भीग गया मैं पूरा।
फ्रैंकलिन भैया, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि लॉस एंजेलिस बर्बाद होने वाला है, देखा पानी भी बरसने लगा। अबे सिंचन, सुबह से बादल हो रहे तो कि थोड़ी बहुत तो पानी बरसेगा, टेंशन क्यों ले रहा है? तू आ जा मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तुझे घुमा के लाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये गाड़ी तो लेकिन बवाल सी लग रही है यार, उसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। अबे सिंचन, तभी तो लाया हूँ, चलो चौब फटाफट से तुम लोग भी चढ़ जाओ, घूमना चलते हैं, क्योंकि हमारा सिंचन पागल हो चुका है और बहुत तेज डर भी रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, डरने वाली तो बात ही है, अरे ये गाड़ी फ्लेम भी छोड़ती है क्या? अबे हाँ सिंचन, फ्लेम छोड़ती है, तू क्या ऐसी समझ रहा है क्या उसे? फ्रैंकलिन भैया, तो एक बार खड़ा करके फ्लेम निकालो ना। अरे ले भैया, निकाल दिए, अब चलें। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, और निकालो, कितना मस्त लग रहा है देखने में। ओ फ्रैंकलिन भैया, यार ये तो सही में फ्लेम छोड़ते, आपने करवाया है क्या अलग से? अरे यार, वो जब ट्यूनिंग करवा रहा था तो बैनी ने कर दिया, वो बोल रहा था कि अब फ्लेम छोड़ेगी बहुत अच्छे से। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तो मस्त है यार, मैं भी लेके जाऊंगा इसको अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स करने के लिए। अरे हाँ हाँ, ले जाना, मेरी चीज़ तेरी चीज़ है भाई, ले जाना, कर ये यो फ्लैक्स, अब चले घूमने। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, चलो घूमने। अरे तुमने तो ठोक दी। अबे नहीं ठोकी, बच गई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? ओ फ्रैंकलिन भैया, चलो कहीं बढ़िया सी जगह घूमने चलते हैं। अरे हाँ हाँ, चलते हैं घूमने, टेंशन मत लो यार। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया हो? अबे यार सिंचन, लग तो मुझे भी रहा है मेरे भाई, कुछ ज़्यादा ही मौसम सीरियस नहीं होता जा रहा? अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, फिर एकदम से बादल हुआ, अब एकदम से पानी तेज़ हो गया, उसके बाद अब बिजली भी चमकने लगी तेज तेज। एक काम करते हैं, अपने घर में जो SUV खड़ी है ना, उसे उठा लेते हैं भाई, मुझे मतलब सही सा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अपन को प्रिकॉशंस लेने चाहिए ना यार, जब अपने पास खड़ी हैं SUV इतनी सारी, तो उसको उठा लेते हैं, और वैसे भी इस वाले घर पर खड़ी हुई है एक, उसी को उठा लेते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, उसी को उठा के चलते हैं। अरे हाँ हाँ यार, क्योंकि देखो मुझे सही सा लग तो रहा है, वैसे होगा क्या भाई, देखो पानी आनी बरसना लॉस एंजेलिस में बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है, यहाँ पे कभी भी मौसम कैसे भी मोड़ ले सकता है, कहो अभी थोड़ी देर बाद धूप निकला है, लेकिन भाई मतलब क्या दिक्कत है, अपन अगर एक बार भाई अपना ले लें भाई, अपने पास जब खड़ी है SUV तो उसको उठा लेते हैं, क्योंकि भाई ये तो देखो सुपर कार है और बहुत ज़्यादा लो भी है, तो भाई कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो भाई इस गाड़ी से तो हम कहीं ज़्यादा जा नहीं पाएंगे, तो फटाफट से इसको लेके चलते हैं। ओ फ्रैंकलिन भैया, ये गाड़ी का गिरगिटान है, अभी जब खड़ी की थी तो पीले कलर की थी, अब लाल कैसे हो गई? अबे यार वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ तुम लोग आके बैठो, फटाफट से चलते हैं, मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ है, एक तेरा भूत दिखता रहता है मुझे, अब मेरे घर की गैराज की गाड़ियों का कलर भी चेंज हो रहा है, पता नहीं भाई मेरे घर में भूत भूत आ गए। चलो फटाफट से अब चलते हैं घूमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हमारे पास SUV भी है, हम चल सकते हैं ऑफ रोडिंग में, क्या बोलते हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, अब हम ऑफ रोडिंग में चल सकते हैं यार, जल्दी चलो। हाँ हाँ तो चलते हैं, चलो फटाफट से ऑफ रोडिंग में ही चलते हैं भाई, मज़े करेंगे। ओ फ्रैंकलिन भैया, मुझे कुछ दिखाओ। क्या दिखा? मुझे भी दिखा यार, ये कहाँ से आए भाई, सही में ये तो गिर रहे हैं यार। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैंने तो पहले ही बोला था उस आंटी की बात हमें मान लेनी चाहिए थी, और उसके अली से निकल जाना चाहिए था लॉस एंजेलिस छोड़ के, आप बात नहीं माने, देख रहे हो हम बीत गए ना। अबे यार सिंचन, अब मैं क्या बताऊँ भाई, मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या हुआ, वेव्स भी आने लगी यार, ये क्या हो रहा है, फटाफट से हमें पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी गाड़ी डूब भी सकती है। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलो यार। अबे सिंचन, पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ भाई जाने की यार, बच गए अभी फटाक से, ये पत्थर ऊपर ही गिरने वाला था, सब लोग ने पड़ जाते। आओ फ्रैंकलिन भैया, मुझे डर लग रहा है, जल्दी यहाँ से निकालो। अरे यार अब चौप डरने वाली कौन सी बात है, मैं निकाल तो रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, इसलिए मैंने सही टाइम पे SUV लेके बहुत अच्छा काम किया यार, नहीं तो अभी हम अपनी स्पोर्ट्स कार लिए होते ना तो यहीं फंस जाते और सब लोग निपट जाते। यार मैं भी छोटा बच्चा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो मेरे मालिक। अरे हाँ हाँ, सबको बचाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है इतनी ज़्यादा, फटाफट से पहाड़ पे चढ़ाते हैं गाड़ी, वहाँ पे बच जाएंगे सब लोग। अरे फ्रैंकलिन भैया, यहाँ तो और पत्थर आ रहे हैं। अबे सिंचन टेंशन मत ले, पहाड़ ऐसा टेढ़े टाइप का होता है, हम पहाड़ के ऊपर जाके खड़े हो सकते हैं, वहाँ पे अगर हम खड़े हो जाएंगे तो पत्थर यहाँ पे रुकेंगे नहीं और नीचे को धड़कते चले जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया, लेकिन यार अब हमारे घर का क्या होगा, हम रहेंगे कहाँ? अरे तू उसकी टेंशन मत ले, उसके बारे में अपन बाद में सोचते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले तुम लोगों को सेफ कर लूँ, वही मेरी सबसे बड़ी काम है। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो सब तो ठीक है, सामने से शेर भी जा रहा है। अबे सिंचन जाने देना, वो बेचारा भी अपनी जान बचाने के लिए घूम रहा है, अपन यहाँ से आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरे साइड ढलाई टाइप की है, तो जो भी पत्थर ऊपर से गिरेंगे वो नीचे को सरक जाएंगे और यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े टाइप के होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात?
अरे फ्रैंकलिन भैया, अगर हमने उस आंटी की बात मान ली होती तो सही टाइम पे अपने प्राइवेट जेट से निकल सकते थे। अबे यार सिंचन, मैंने सोचा वो अपने प्लेन का ऐड कर रही है इस वजह से यार। अरे फ्रैंकलिन भैया, अब देख रहे हो ना, लॉस एंजेलिस खत्म होने वाला है पूरा। अबे यार सिंचन, मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि लॉस एंजेलिस सही में खत्म होने जा रहा है। आओ फ्रैंकलिन भैया, टेंशन मत लो, ये पत्थर इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि लॉस एंजेलिस को खत्म कर पाए, बस थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ ही पाएंगे। अबे यार चौप, लेकिन हो सकता है कि और ज्यादा बड़े पत्थर गिरने लगे और लॉस एंजेलिस खत्म भी हो सकता है ना यार। हमने उसकी बात नहीं मानी, सही टाइम पे अगर बात मान ले होते तो हम भी निकल जाते लॉस एंजेलिस से। आओ फ्रैंकलिन भैया, अब हम क्या ही कर सकते हैं? करने को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं कि मैं तुम लोगों को सेफ कर सकता हूँ। हम जंगल के बहुत ज्यादा पास हैं, और इससे पहले कि वो जंगल पूरी तरीके से डूब जाए पानी में, हम वहाँ से लकड़ियाँ ला सकते हैं और अपने गाड़ी पे घर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास SUV है और इसके ऊपर घर आराम से बन जाएगा। इसमें इतनी पावर है कि वो लकड़ी का रोड ढो पाए। ओह फ्रैंकलिन भैया, ये तो सही सोचा, लेकिन आराम से हम सब गिर सकते हैं। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ चलाने वाला, कोई नहीं गिरेगा यार, सेफली लैंडिंग कराऊंगा तुम सबकी। अरे फ्रैंकलिन भैया, क्या शानदार स्टंट मारा यार, गाड़ी को भी नुकसान नहीं हुआ। अबे सिंचन, तभी तो फ्रैंकलिन ओपी बोलते। अबे बच गया, अभी पत्थर घरता मूड पे तुम लोगों के। अरे यार मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता, मेरा बर्गर कौन खाएगा? अरे यार तुझे इस टाइम पे भी बर्गर ही की लग रही है, यहाँ आदमी ने पटने वाला है, तुझे बर्गर ही खाना है। अरे यार वो सब तो ठीक है फ्रैंकलिन, मुझे बचा ले यार। अरे तू टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, मैं बचाता हूँ तुम लोगों को। फटाफट से पेड़ काटते हैं, पेड़ काट के हम गाड़ी पर लोड करेंगे, उसके बाद हम कुछ शानदार सा बनाएंगे, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कुछ हो। तो फटाफट से यहाँ से लकड़ी काटते हैं और लकड़ी लेकर निकलते हैं। आओ फ्रैंकलिन भैया जल्दी काटो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी लकड़ी काटो यार। अरे हाँ हाँ चल रहा है, तो टेंशन मत ले, फटाफट से लकड़ी काटता हूँ मैं। तुम लोग इतने टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना यार लकड़ी काटने के लिए, भी फटाफट से लकड़ी काटता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया बाहर कहाँ कुल्हाड़ी चला रहे हो, लकड़ी पे चढ़ाओ। अरे यार वो थोड़ा चला गया था फ्लो फ्लो में, टेंशन मत लो, फटाफट से लकड़ी काट के मिलता हूँ तुम लोगों को यार। गाइस थोड़ा वेट करो। 2 hours later. चलो गाइस, फाइनली हमने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। अरे यार लकड़ी तोड़ के देखूंगा टूट रही है कि नहीं, मजबूत है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से इन सबको लोड करते हैं और इनको लेके यहाँ से निकलते हैं। वैसे बहुत मस्त समुद्र हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ नहा आऊँ क्या। अरे फ्रैंकलिन भैया पागल तो नहीं हो गए यार, जल्दी यहाँ से चलो। अरे हाँ हाँ चल रहे, इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा है, तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ से चलते हैं। तो फाइनली हमारा घर बन के तैयार है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है ना शानदार। अभी मतलब घर बन के तैयार नहीं, अभी सिर्फ लकड़ियाँ हमने लोड करी हैं, बहुत सारी लकड़ी हमारे पास। इसको ऊपर लेके जाएंगे और फिर हम अपना घर बनाएंगे फटाफट से। इसको लेके चलते हैं यहाँ से, मस्त घर बनाते हैं। 2000 years later. चलो गाइस, तो अब हमारा घर बनके तैयार है और वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि भाई दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि सिर्फ लकड़ी लकड़ी दिख रही है उसमें और कुछ नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा सामान नहीं मिला उस जंगल में, लकड़ी मिल गई यही बहुत बड़ी बात है भाई, और बाकी मेरे पास डला था टूल किट में सामान, तो चलो कुछ तो काम आया। बाकी हमारा घर देखो फाइनली बन चुका है, इतना है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और इतना है कि सब लोग इसमें सेफली सो भी सकते हैं, आराम से रह भी सकते हैं, जब तक लॉस एंजेलिस की सारी प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाती, जब तक हम लोग रहने वाले हैं अपने भाई चलते फिरते मकान में। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हो सकता है कि समुद्र बढ़ जाए और पानी ऊपर आ जाए तो हमें निकलना होगा, तो इसलिए मैंने भाई अपनी गाड़ी के ऊपर ही घर बना लिया, तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये वाला घर बहुत ज़्यादा सेफ भी है भाई और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई प्रॉब्लम के बहुत सारी मुसीबत झेल सकता है। फटाफट से अपनी गाड़ी को ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं प्लेन जगह पर रहूँ और पत्थरों के नीचे दब जाऊँ। अपनी गाड़ी ऐसी जगह जाके खड़ी करूँगा जहाँ से कोई दिक्कत ना हो और जहाँ पे बिल्कुल आराम से यहाँ से चढ़ानी होगी, नहीं तो गिर जाएगी, जहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी मुझे और कोई पत्थर भी नहीं रुकेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरी गाड़ी थोड़ी सी देखने में गंदी लग रही है, लेकिन इट्स ओके, ठीक है,
भाई गंदा नहीं देखना, अभी हमें अपनी जान बचानी है, क्योंकि इससे पहले भाई हमारी जान चली जाए उससे अच्छा तो थोड़ी गंदी चीज़ें झेल सकते हैं। और बाकी भाई गद्दा वद्दा तो अभी हमारे पास है नहीं, जितना था हमने कर लिया, अभी लकड़ी के ऊपर ही सो जाएंगे, फिर बाद में देखते हैं कहीं से कोई सुपर मूपर मार्केट हो जो डूबा नहीं हो वहाँ से गद्दा उठा लेंगे। लेकिन अभी जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा का भाई करेंगे ना लालच तो हम हो सकता है कि निपट जाए। इससे अच्छा जितना है उतने में अभी रहो। क्यों सिंचन क्या बोलता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मेरे को तो घर टॉप का लग रहा है और मजबूत भी बहुत है। अरे सिंचन तभी तो बोल रहा हूँ, चलो गाइस फटाफट से, मैं तो चला सोने घर के अंदर। अरे फ्रैंकलिन भैया हाँ हाँ मैं भी सोऊंगा, जल्दी अंदर चलो। हाँ हाँ चल तो रहे। तो गाइस फटाफट से घर, हमारा घर कुछ ऐसा है अंदर से, ज़्यादा बड़ा नहीं है, चॉप वॉप के लिए वो जगह है, ये हमारे लिए जगह है, हम आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो वाला गेट भी बंद हो जाता है, फटाफट से चॉप बंद कर ले। ओ फ्रैंकलिन भैया कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो हाँ हाँ चल फटाफट से कर ले। तो गाइस तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना तुम लोगों को मेरा कार हाउस कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, और गेट भी बंद हो गया, और भाई चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम है गाइस आर होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। I'm gonna go get some more.